मेरी जो मम्मा है ना, मतलब मदर इन लॉ, वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं। वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि वो कह रही हैं लोगों ने बुरे बुरे कमेंट करे, उनको यूट्यूब पे कमेंट पढ़ने नहीं आते, वो बहुत सिंपल सी हैं। तो मैंने उन्हें ब्लॉग खोल कर दिया, और मैंने क्योंकि उनको नहीं यूज़ करना आता उनको कमेंट्स, मैंने फिर कमेंट्स खोल के दिए। मैंने कहा कमेंट ऐसे खुलते हैं, व्लॉग ऐसे खुलता है, व्लॉग देखना आता है लेकिन कमेंट का नहीं पता कहाँ से आते हैं। अभी खोल कर दिया है तो अब खुश हो रही हैं। लेकिन आयत ने आज अपना एक पैराग्राफ लिखा है जो मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। मेरा नाम फरिया है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मैं खाती शहजादों जितना हूँ और खा खा के सांड हो गई हूँ। और कभी मैं बदतमीजी हूँ, कभी मैं आवारा हूँ, कभी मैं जाहिल हूँ और कभी बगैरत हूँ। इतनी सच्चाई सच में लिखा हुआ मैंने बोली एक मिनट। और कभी क्या, हाँ वगैरह तू, और जो काम हुआ बहुत अच्छी, और जब मूड अच्छा होता भी अच्छी हूँ, और जो इन लोगों के दिल में आता है बोलते हैं ये लोग बस हर कोई अपने बारे में ही सोचता है, तो इनकी सोच दिल में आता है सच में पड़ता है, मगर ये लोग मिलने भी बुरे नहीं मुझसे। अल्लाह अल्लाह सॉरी मुझे अटैक आ रहा है। अच्छा एंड में लिखा है इसने, करने के बाद वरना अच्छा लगता है और मुझे अम्मा बहुत मारती हैं। अभी लिखी है लास्ट रीसेंट अम्मा ने तो थप्पड़ मारा बाबा। खज्जीले खज्जीले तुम क्यों खुश हो रहे हो बाबा? खज्जीले आज मैंने कहा था खज्जी नहीं लाएंगे तो घर में नहीं आएंगे। धोए बगैर नहीं, धोए बगैर नहीं, धुलेंगे धुलेंगे धुलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब डेली व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे डेली व्लॉग बोलना छोड़ देना चाहिए क्योंकि डेली तो व्लॉग मेरा बनता नहीं है, बट ये है कि अब व्लॉग बना रही हूँ एटलीस्ट। आज जो है घर पर अभी नाश्ता बन गया है, अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। ये देखें क्या हुआ। रोहान चाहता ही नहीं है कि हम रोहान की तरह मुतवज्जा हो, वो फौरन जो है ना इतराने लग जाता है। फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ है, क्या हुआ है रोहान, आपको क्या हुआ है? फोन चार्ज ही नहीं है मेरा, रात में सो गई बिना चार्जिंग के। क्या कर रहे हो दादा के ऊपर? इमली की गुटली, आलू बुखारे की गुटलियाँ बैठी है। क्या करूँ मैं अभी, खुशबू आ रही है, खुशबू है, रोहान तो रोहान से ज्यादा बड़ा लगने लगा माशाल्लाह से। चलो एक एक करके नीचे उतरते जाइए। चलिए ये गीले में कहाँ बैठा पता पता नहीं भाई, इसका हुलिया तो देखो तुम। मुझसे आती करे दादा चीज, दादा चीज, दादा ने चीज जी। तुम दोनों नंगे क्यों रहते हो यार? गर्मी है बेटा, छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। कौन सी इतनी गर्मी है? फिर मेरी गोद में आ रहा है ये, देख। कम नहीं कर ज़ैनब, क्या कर रही है? पर्दा उड़ रहा तो डर ना, देख देख ज़ैनब, ज़ैनब मैं जान से मार दूंगी तुझे। ज़ैनब बच्चों के साथ बदतमीजी कर रही अब रोशनी आ गई बाहर से, अब वो नहीं डर रही, क्या बदतमीजी कर रही यार। जैनब नहीं कर, बता रही मैं तुझे जैनब। मम्मा ये दोनों आपके बच्चे हैं, मेरे पास ही रहते हैं भाई, मैं क्या करूं। आ मेरे पास कोई भी नहीं है, क्या हो गया? सो जाओ, चुप जड़ जा। प्राण के साथ गुस्सा करके बोल रही, कोई भी नहीं है, बदतमीज लड़की। जैनब करो ना सर में यार, मजा आ रहा था। ये लो चलो तुम्हारे। तो भाई आज मैं ससुराल आई हुई थी, तो ना मेरी जो मम्मा है ना, मतलब मदर इन लॉ, वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं। वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि वो कह रही हैं लोगों ने बुरे बुरे कमेंट करे, उनको यूट्यूब पे कमेंट पढ़ने नहीं आते, वो बहुत सिंपल सी हैं। तो मैंने उनको अभी कमेंट्स खोल कर दिए क्योंकि उनको लोगों ने बोला तुम्हें तो लोगों ने बहुत गंदा गंदा करा बोला हुआ है, तुम्हें तो बहुत लोगों ने जो है गालियाँ दी हुई हैं, ऐसे मतलब उनके रिलेटिव्स ने उनको बताया। तो मैंने उन्हें ब्लॉग खोल कर दिया, और मैंने क्योंकि उनको नहीं यूज़ करना आता उनको कमेंट्स, मैंने फिर कमेंट्स खोल के दिए। मैंने कहा कमेंट ऐसे खुलते हैं, व्लॉग ऐसे खुलता है, व्लॉग देखना आता है लेकिन कमेंट का नहीं पता कहाँ से आते हैं। अभी खोल कर दिया है तो अब खुश हो रही हैं, कमेंट्स पढ़ पढ़ के खुश हो रही हैं। मतलब
मतलब इसलिए कुछ हो रही क्योंकि सिर्फ उनको नेगेटिव बताया और लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं भाई, मतलब उन्होंने मेरे साथ व्लॉग में कब बुरा भला बोला, वो मेरे साथ इतने अच्छे से, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। फिर उस पर भी लोग पता है मम्मा क्या बोलते हैं कि शादी से पहले तक ही अच्छी हूँ, शादी के बाद अच्छी नहीं। हाल वाला कुआ का बोलो, जो जैसा होता है ना नेचर में वो दूसरों को भी वैसे ही समझता है। उन लोगों को शायद ये समझ रहे हैं कि मैं जाहिल मदर इन लॉ, बट आई एम नॉट। अभी रो रही थी, अभी जब मैंने कमेंट्स पढ़ के दे दी इतने लोगों ने मम्मा को अप्रिशिएट किया। नॉट गवार मदर इन लॉ, यू अंडरस्टैंड। अभी रो रही थी ठीक है, और फिर गयूर भी बैठा हुआ बोल रहा है, अभी अपना मुंह छुपा लिया इतने बोल रहा है, मम्मा अभी तो आप कुकिंग चैनल बनाने वाले थी, अभी तो आप अच्छी अच्छी कुकिंग करने वाली थी। अभी कमेंट्स पढ़ के खुश हो रही है, पढ़े मेरा कमेंट्स। एक जगह मदर इज लॉ लॉ को कश्यप के फैन की तरफ से बहुत सारा प्यार, वाओ हार्ड रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट मी Oh, अच्छा एक बात बताती हूँ, आज मैं व्लॉग नहीं बना रही, से कुछ सीखो कितना साफ घर है। आप आपको खुशी हो रही है? ये अब मैं सांस बनने लगी हूँ, मुझे बनना नहीं आता वैसे। अब खुश हो रही हूँ। तो भाई आज जो आज का व्लॉग है ना वो मम्मा के कैसे, आज मम्मा का जो व्लॉग है ना वो कमेंट्स के रिव्यू पे है कि मतलब मम्मा जो है ना कमेंट्स पढ़ के खुश हो रही है। नीचे रखे ना फोन ऐसे आपको ले रही बोली जिस दिन मम्मा व्लॉग में आएंगी तैयार होकर आएंगी गाइस, आप लोग टेंशन मत लो। ले आऊंगी ले आ, मैं बिल्कुल अपने तरीके से माइंड बना लेती हूँ अपनी सास का हर चीज में, हर चीज जब से आई हूँ वैसे मम्मा सच बताए मैं आपका हर चीज में माइंड बना लेती हूँ ना, दिल जीतने में अच्छी हूँ मैं सच बताऊं। बहुत ज्यादा अल्लाह ताला सब को ऐसी बोवे दे, घर जोड़ने वाली तोड़ने वाली नहीं। पीछे भी चले जाओ देगा घर तोड़ने वाली, हाँ मैंने कहा तोड़ने वाली बोल रहे लोग मुझे बहुत समझ रहे हैं क्या मैं जो अपनी उम्र को कवर करके बता रही है क्या पढ़ रही है, मैं पढ़ के बताती हूँ। ओ इधर मैं भी सोच रही थी किधर है व्लॉग, कड़क ही तो है तो दिल के अच्छे होते हैं। अच्छा मैं कड़क हूँ, मेरी आवाज ही ऐसी है ना क्या, अब मैं आवाज को पता कैसे बोलूंगी, बनावटी मैं बन नहीं सकती। तो कैसे बोलेगी बताए तो बोल के इधर आए ओ ड्रामेबाज लोग मुझे पसंद नहीं है, नेचुरल अच्छा होता है भाई। अब तो अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, बस ये कि मैं कुकिंग प्रॉपर बनाऊंगी ना जब तक प्रॉपर बना के बकायदा सेटिंग करके ना मुझे दिख रहा हो अचानक सब कुछ तो रेसिपी भी सही लोगों को समझ नहीं आएगी। हाँ तो वो मैं प्रॉपर जैसे बनाती हूँ ना तो एक साइड पे रेसिपी के पूरे वो लिखना तो इंग्रेडिएंट का भी मैं सिर्फ बनाऊंगी, मेरे हाथ सिर्फ आएंगे और बच्चों को अच्छे से समझ आएगा, जो बच्चियाँ नहीं सीखने वाली वो अच्छे से सीख लेंगी। जितने भी पॉजिटिव लोग हैं वो इस ब्लॉग के नीचे कमेंट्स करें मम्मा के लिए, ताकि मम्मा ये वाला ब्लॉग देख कर जाना मम्मा को पता लगे कि बहुत सारे चाहने वाले भी हैं, सिर्फ हेटर्स नहीं हैं। क्योंकि मुझे लगता है वो लड़कियां जिनकी सासें अच्छी नहीं होती मम्मा है ना, तो वो बेचारी क्या करें, तो हमारे ऊपर आके अपने दिल की बड़ास निकाले। तो अभी मैं ब्लॉग भाई बोलो मैं तो ऐसे ही हूं भाई, अपने पहला स्टैंड लो, अपने अपने खुद घर खुद सेट करो, अलग हो जाओ मेरी। मम्मा तो मुझे बोलती तुम अलग हो जाओ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं बोलती हूँ यही रहता है, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ ये मेरे पीछा ही नहीं छोड़ती, मैं कहती जाओ भाई अपना घर बनाओ, अपने अच्छे से पैकिंग करो, मुझे खुशी होगी कि मेरे तुम अलग हो जाओ, मैं बोलती मैं अलग नहीं होना। खैर मम्मा के साथ पूरा डिटेलिंग व्लॉग मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, अगर मम्मा के साथ किसी को भी सवाल जवाब भी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब मम्मा आप सेटिस्फाई हो गई या आप रो रही थी? मैं
अच्छा मैं आई ना, मुझे बुलाया भी, मैं आई, मैं बोलूँ मम्मा आपका अपसेट अपसेट है, आपका सैड है, आपका मुँह कहती नहीं सही हूँ। मैंने कहा क्यों, कहती नहीं सही, मैंने कहा आप सैड है। वो तो अभी जब सब चले गए सारे मेहमान तो पता लगा कि भाई इस बात, वो भी गयूर इस नमूने ने मुझे बताया, इसने मुझे बताया कि ये सीन था। चलो खैर अब मैं आ जाओ ना ब्लॉग रख रही हूँ, लारे जिम गए ना, मैं और मम्मा गपशप कर रहे थे इसी सारी टॉपिक्स पे, फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग बना के लोगों को कहती हूँ कि भाई जितने भी इतने, पता है आपको ज़्यादा मेरे फैंस, मतलब जितने लोग मुझे पसंद करते ज़्यादातर लड़कियाँ, उनकी अम्माएँ मुझे देखती हैं और वो मुझे पसंद करती हैं, उनकी बेटियाँ मुझे कॉमेंट्स करी होती है कि हमारी मम्मा को बहुत पसंद है, आपकी मम्मा पसंद है। और अभी पता है कॉमेंट्स क्या आए हैं कि कश्यप की मम्मा तो थी ही अच्छी, अब कश्यप को सास भी अच्छी मिल गई माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बड़े अच्छे बताया। तो भाई अब मैं घर जा रही हूँ, आगे मुझे घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और अब घर जाऊँगी, घर जा के देखूँगी ये सब क्या कर रहे हैं। सोचती तो मैं यही हूँ कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँगी लेकिन बनते नहीं हैं, पता नहीं क्या हो गया, लाइफ बहुत बिजी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही हूँ, क्या बकरी प्रेग्नेंट हो गई? फिर हद तो यही हमारी पहले लोग तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी कर रहे हैं और तुम बकरी के लिए कर रही है, पता है मुझे क्या है, बताएं खुशखबरी, खुशखबरी बताएं। मुर्गी ने बच्चे दिए हैं, कहाँ से दिए, तोते ने बच्चे दिए हैं, मुर्गी प्रेग्नेंट है। तुम्हें लिए खाने के लिए क्या लगी, अब कुछ भी नहीं लाई, कुछ नहीं, मैं सोचा था क्या है, कुछ खबरी बताए। हमारी मुर्गियाँ बढ़ गई हैं, मुर्गे खरीद ली, पौधे खरीद लिए, एलोवेरा खरीद लिया, फिर देखो चलो तो नीचे हाथ बारिश, वो कचरा पेली का ना यार, अब बारिश होगी ना तो झाड़ू से रगड़ रगड़ के धोते हैं हम, तो फिर ये वापस क्यों ऐसे हो जाती है यार, जाहिर सी बात है मुसलसल ये मुर्गियों ने दिमाग, बाबा ये दो मुर्गे तो काट रहे हैं हमारे इतने से थे, क्यों काट रहे हैं, काटेंगे भैया ये मामी ने भेज दी थी। माशाल्लाह हमारे घर में तो बहुत जानवर है, लारू छोड़ के चले गए नीचे से, तो इतनी दूर आते क्यों है छोड़ने के, अकेले नहीं भेजते मुझे वो, अब नहीं भेजते, पहले भेजते थे, पहले बीवी नहीं थी उनकी, ना गर्लफ्रेंड थी ना बीवी थी, अब बीवी आ जाती थी गाड़ी में वो आते थे, अब ये बात आपको कैसे पता जी जान, हाँ क्या कुछ खबर है, जैनब जैनब प्रेग्नेंट हो गई है, तो क्या आप क्या है कुछ खबरी यार, ऊपर से नीचे ले आएंगे, मैं तुम व्लॉग बंद करो कि जब दिखाऊंगी आज, बंद करो, बाहर कबूतरों ने बच्चे दे दिए, अच्छा ठीक है गाइस बाय, मैं नहीं बता सकती व्लॉग में, तुम लेटे हो तो इसका क्या मतलब है, बाबा का रोड के बाहर निकला था, क्या हुआ था, गई थी और वो भी ट्राई हो, तो लेकर नहीं गई, तो रुक्सती का भाई तुम्हारी प्लीज बता दो, तो मैं रुक्सती के पीछे क्यों पड़े, कपड़े बनवाने हैं भाई, कमिंग सून है, असल में रुक्सती इसलिए पीछे पड़े मैं, जल्दी जल्दी आपकी शादी हो, आप एक जगह सेट हो जाए, है ना, दो दो जगह फंसी हो, इधर से मैं गुस्सा करती हूँ, उधर से लारे गुस्सा करता है, तो सास भी बुलाती रहती है, फिर मेरे घर आओ मेरे घर आओ, तो वो मेरे बिना नहीं रहती ना, उनको मेरी याद आती है, चार दिन हुए उनको तुम्हारे के साथ रहते हुए और वो नहीं रह पाती, और तो तुम मेरा सोचो, मम्मा के तरफ जा रही है क्या, कुछ की बात बता के जा रही है, फाइनली डर गया, डर गया, डर गया, कैमरा देख, एक मिनट, ये तो कैमरा खुलते ही जैसे नाटक शुरू कर देते हैं यार, एक बात बताए हमारे घर के बच्चे सिर्फ नंगे क्यों रह रहे हैं, चाचा बोल, चाचा दे दो कैमरा, दे मम्मा मैं घर में नहीं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, बहन अस्सलाम वालेकुम, हेलो कुछ भी नहीं हूँ मैं, पप्पू ही नहीं, बस पप्पू क्यों बोला, हेलो बस पप्पू क्यों बोला, हां ये बहन है पप्पू, मैं लाओ इन लोगों को खड़े देख, रोज आयत नहलाती है इन लोगों को रोज, अब मैं रोज व्लॉग बनाऊंगी जमीन पे, फिर छोड़ने के बाद ऊपर जुहान की हालत देखी क्या हो रही है, ऊपर नंगे पैर घूम रहा और फिर ऊपर चला गया, मम्मा मैं और फारिद पापा मिलते हैं, नहीं मैं अपनी मम्मा के, नहीं मैं और फारिद पापा में मिलते हैं, आयत और भाई मम्मा में मिलते हैं,
तू बिल्कुल मेरे बाबा खाते थे ये पहले। आयत क्या बोल रही थी, तुम्हारे अंदर मेरा खून है। आयत आज 2 घंटा वॉशरूम में बैठी रही है, क्यों? पेट खराब हुआ। आयत में लूज मोशन लगे हुए। बेटी को तुमने बहुत मारा है, एक बंदे को सख्त होना पड़ा। इतनी जोर जोर से मारा है, मैं तुम्हें मना भी कर रही थी। आप मुझे मैं बोल रही हूँ नहीं मारो तो तुम उल्टा और मार रही हो। रहा था लेकिन वो भी तो अकड़ रही थी ना, फिर वो ना अकड़े तो रोक सकू, वो अकड़ रही है और मार रही है, दोनों बहने एक जैसी। मैंने सॉरी भी तो किया, प्यार भी किया, इसको फिर भी नहीं मारा है आया तो जितना मैंने दुआ। मैं तो मम्मा से बहुत पिटी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि उसको कैसे संभालना है। इन्होंने मुझे मेरे साथ ज्यादतियां करी है, बिगड़ गई। लेकिन ये तो जितनी बिगड़ी हुई आपकी औलाद है घर में कभी दिखती है? उसके बाद भाई को पूछती नहीं है, एक मिनट भाई को पूछती नहीं, ट्राई ऑफ सैलून चली गई, यही दुख है ना। बाबा फोन आ रहा है उनका, आपकी दूसरी बेगम का। मुझे एक बात बताओ, तुम मैं ये कहती हूँ शुक्र है अब कहीं जाती नहीं, सिर्फ अपने ससुराल ही जाती। हाँ, ससुराल जाती। तो बस मुझे ससुराल भी सिर्फ अपने शौहर के लिए जाती है, शौहर ने टाइट करके रखा हुआ है इस पर, बहुत अच्छा किया हुआ। अच्छी बात है, ससुराल जाती है, मैं कहती हूँ अभी कहीं जाती नहीं। शौहर तो तुम्हें एकदम आउट क्लास, मतलब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। ये मेरा मियाँ से जलता है। आपने कोई नेकी करी जब मुझे मेरा मियाँ अच्छा मिला, क्योंकि आपने बाबा ने कोई नेकी करी थी तो माँ बाप का, माँ बाप की, माँ बाप का किया औलाद के आगे आता है, याद रखना। क्या गलती का फल मिला था आपको? अच्छा नहीं मारा करो मेरे बच्चों। माँ मैं नहीं मारती उसे कभी भी, इधर आओ चीजों को हाथ ही लगाने देता तुम्हारी, तो वहाँ कैसे लगाएगा? लोगों को समझ नहीं आएगा कि बात टॉपिक पे आई और क्या भाई बहुत खिलाता है भाभी को। बैठ के तहैया कर रही थी कि कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, बातों में बाहर नहीं आऊंगी। फिर इसने बोला कि केएफसी खाई थी, मैंने कहा पिज्जा याद आ गया, मैंने कहा पिज्जा मंगा के आ रोती रही, रोती रही, रोती रही, रोती रही। दिन भर से भूखी कांपती अपने कोटा से बिरयानी निकाल ले। हारिस भाई को तो दी थी अपने इससे की बिरयानी। बस कर दो, तुम इतनी अच्छी नहीं हो। आया पूछ रहा हूं।